क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? अरे माशाल्लाह हमारा बंधु भाई तो एकदम इंग्लिश झाड़ के एकदम बोल रहे हैं। और बांग्लादेश से कहाँ से हो? मैं इंडिया से आया है। और मेरे भाई ये तो हर लैंग्वेज बोल लेता है यार है? और देखिए यहाँ पर खरगोश भी पाल के रखे हुए। अरे गजब यार, ये देखिए मेरे भाई सऊदी अरब का खरगोश। और ये जो मिसाइल है ना, ये पानी की टाकी है मेरे दोस्तों। ये खस लगा है। ये ज़्यादातर यहाँ पर जो हम बर्गर होता है, सैंडविच होती है, तो इन सब चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी देखिए हम सऊदी अरबिया के गांव साइड में एकदम आए हैं, जिसे यानी देहात बोलते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी, यानी ये नदी एक हिसाब से है लेकिन पूरी सूख चुकी है, लेकिन कुछ पानी इसमें है और इसमें काफ़ी मच्छियाँ भी मिलती हैं। और यहीं पर होती है खेती, और यहीं पर आस पास में सऊदियों की रिहाइश भी है। तो चलिए यहाँ की हम खेती दिखाते हैं पूरा घूम करके, क्या क्या चीज़ की यहाँ पर सब्जी लगाई जाती है। क्योंकि बहुत से भाई लोगों का कहना है कि क्या मेरे भाई सऊदी अरबिया में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ही निकलता है? तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे पेट्रोल, खेती, हर एक चीज़ यहाँ पर है। बस यहाँ पर थोड़ी खेती कम है, अपने यहाँ कुछ ज़्यादा है। और यहाँ पर भी गेहूँ की खेती होती है, लेकिन वो होती है दूसरे साइड में, अलकसीम एरिया साइड में। लेकिन अभी जिस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, इस वक्त इस एरिया में ज़्यादातर सब्जी की खेती, उसके बाद अनार, अंगूर, ये सब की खेती होती है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं यहाँ का ये बाहा नदी, जिसे बोल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो पानी बहरहाल अभी सूखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए पूरी आगे खेती है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और पहले ये क्रॉस करते हैं यार। और हमारे साथ में देखिए मुन्ना भाई हैं, एकदम यहाँ पर नहाने का पूरा प्रोग्राम बना करके आए हुए थे, लेकिन पूरा पानी सूखा हुआ है। और हमारे साथ में है शारिक भाई। तो ये हैं शारिक भाई। तो ये पूरा हमें यहाँ पर सब्जियों की खेती घुमा घुमा करके दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मचान देखिए पूरा लाइन से लगा हुआ है। ओहो गजब यार, ये तो पूरा प्लांट में ही है, मान लो हम लोग आ गए। और देखिए यहाँ से पानी बह रहा है। और इसके अंदर देखिए पूरी बीज लगा हुआ है, जिसे प्लाटिंग यानी प्लानिंग क्या कहते हैं। तो ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ में सामने देखिए यहाँ के जो लोकल हैं अरबी, उनका बंगला देख सकते हैं आप लोग। और शाम का वक्त है, सूरज की किरणें पहाड़ियों से देखिए एकदम ढकी हुई है, ज़बरदस्त। ओहो बहुत बड़े में है यार, देखते जाइए। और जो है कुछ भाइयों का सवाल ये होता है कि भाई जो खेती करते हैं वो रहते कहाँ हैं? तो मेरे भाई देख सकते हैं ये रूम, यहीं पर ये लोग रहते हैं। और देखिए यहाँ पर पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो बीज की प्लाटिंग होती है ना, वो दिखाते हैं। देख सकते हैं प्लाटिंग ही बोलते हैं ना मेरे भाई? हाँ, यहाँ पर देखिए पूरी इसकी प्लाटिंग होती है, किस तरीके से होती है आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी देखिए हर तरीके की सब्जियाँ आपको मिलेंगी। और देख सकते हैं चारों तरफ से, फिर ये जब तैयार हो जाती हैं थोड़ी बहुत, तो फिर ये ले जा करके जो है खेतों में लगाते हैं। और ये पूरी पानी की लाइन देखिए पूरी लगी हुई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर खेती की जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं पुट्ठा, ये पुट्ठे के अंदर पूरा जो है बीज उगाया जाता है, ज़बरदस्त। और जो रहने वाले हैं देखिए यहाँ पर रहते हैं, जो खेती करने वाले होते हैं यहाँ पर रहते हैं। ये उनका रूम होता है, ठीक है। अब चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को खेती क्या क्या यहाँ पर खेती हो रही है। और देखिए यहाँ पर गाड़ी का नंबर देख लीजिए, सऊदी अरबिया मेरे दोस्त। क्योंकि कितने लोग बोलते हैं ना कि भाई ये सऊदी अरब की वीडियो नहीं है, तो देख लीजिए मेरे भाई सऊदी अरब की गाड़ी खड़ी है, उसका नंबर प्लेट वलेट ये सब देख सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए पानी स्टोर किया जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए देख सकते हैं पूरी ये खेती हो रही है। ये देखिए, ये क्या चीज़ की खेती है भाई? ये देखिए खस लगा हुआ है। अच्छा, ये खस लगा है। ये ज़्यादातर यहाँ पर जो हम बर्गर होता है, सैंडविच होती है, तो इन सब चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, यानी हल्का सा जैसे मीठा टाइप में होता है, तो जिसे अरबी में खस कहते हैं। और देख ही सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ये देखिए आपको पपीता के पेड़ भी मिल जाएंगे, देखिए साइड साइड से लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे ये खस है, यहाँ पर तैयार हो चुका था तो यहाँ से देखिए मार्केट में सेल होने के लिए चला गया। तो यही खस है मेरे दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना यही खस है। और ये क्या चीज़ का पेड़ है यार, ये तो अलग क्यों? ये भी खस ही है। अच्छा ये भी खस है। खस में 3-4 किस्म की आता है। अच्छा, 3-4 किस्म का खस होता है। देख लीजिए साइड साइड से पूरी खेती, बीच में ये रास्ता बनाया गया है आने जाने के लिए। अच्छा ये दूसरे की खेती है, हाँ। और यहाँ पर देखिए काम करने वाले बहुत ही आराम से काम कर रहे हैं। और पूरी देखिए वहाँ पर सऊदियों की रिहाइश है, ज़बरदस्त है यार। ये देखिए वाकई में यार, हम लोग समझते थे कि यहाँ पर खेती उती नहीं होती है, लेकिन अपने यहाँ से अच्छी होती है, लेकिन जब आउटसाइड में निकलो, जब सिटी से बाहर की तरफ निकलो तो फिर एहसास होता है कि वाकई में यार यहाँ पर भी खेतियाँ होती हैं, ठीक है। और जो भाई ये चीज़ें नहीं देखते हैं, जो सिर्फ काम से काम मतलब रखते हैं, यानी ड्यूटी बाई ड्यूटी, कहीं घूमने का मौका नहीं मिलता है तो उन्हें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर खेती होती है कि नहीं होती है। देख सकते हैं काफ़ी दूर तक खेती है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर खेती होती है मेरे भाई। 40 दिन में टमाटर, मिर्ची, गोभी ये सब 40 दिन में यहाँ पर तैयार हो जाती है। और यहाँ पर भी देखिए, अच्छा ये भी खस है, लेकिन इसका पेड़ जो तैयार हुआ ऐसा लगता है जैसे सरसों है, लेकिन अलग से नहीं, सरसों नहीं होने वाला, सरसों नहीं, ये उसी का फूल है, देखिए ना ये, हाँ उसी का फूल है। ये खराब हो गया, हाँ, यानी जब ओवर हो जाता है, अब ये बीज निकलेगा, इसको रख दो तो फिर तैयार हो जाता है। और बंधु भाई क्या हाल है, सब लोग खैरियत से? अरे माशाल्लाह, हमारा बंधु भाई एकदम इंग्लिश झाड़ के एकदम बोल रहे हैं। और बांग्लादेश से कहाँ से हो? इंडिया से आया है। और मेरे भाई ये तो हर लैंग्वेज बोल लेता है यार, हरफल मौला है हमारा भाई। और सब बढ़िया। और यहाँ पर देखिए ये प्याज है, ये लहसुन है, प्याज है मेरे भाई, ये लहसुन है यार, और लहसुन है, लहसुन है। गजब के यार, इसकी पोटी देखिए यार, बहुत तगड़ी है माशाल्लाह। ये प्याजी का होता है, प्याज है, प्याज है ना, हाँ, काफी गजब की यार, देख सकते हैं। और ये पानी वानी का पूरा सिस्टम देखिए, अंदर अंदर ये पूरी पाइप लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए लौकी की खेती पूरी है, प्याज की खेती होती है। उसके बाद इस साइड में मेरे ख्याल से भाई बाहा है, पानी वाला जो बाहा है ना, हाँ इधर वो साइड में पानी वाला बाहा है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी लौकी देखिए हुई है, कोई खाने वाला नहीं है, देखिए पूरी नुकसान हो रही है, देख रहे हैं, ज़बरदस्त। आइए इस भाई से ज़रा कुछ बात करते हैं, बहुत खुश दिल मिजाज लगता है ये हमारा भाई, हाँ देख सकते हैं, ज़बरदस्त, देख रहे हैं वाकई में। ये जो हमारा बंधु भाई है ना माशाल्लाह, बहुत खुश मिजाज इंसान है। खुश मिजाज समझते हो? क्या खुश मिजाज हो? क्या कभी कभी गर्म हो जाता है, हाँ, बाकी खुश मिजाज है। तो यहाँ पर देखो खस की ये पैकिंग हो रही है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पैकिंग हो रही है, फिर ये सीधे मार्केट में जाएगी। कैसे पैकेट ये होता है? अच्छा ये आंध्र प्रदेश से, इसको जो है ऐसे कार्टून में पैक होता है, फिर ये पैक होने के बाद ये सीधे जाती है सब्जी मंडी में, या कोई जो छोटी छोटी दुकान वाले होते हैं ना वो भी आते हैं यहाँ पर लेने के लिए। गजब यार, ये देख सकते हैं। और बहुत ही हंसी खुशी देखिए यहाँ पर खेती चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई जो है उदास है, एकदम दिल खुश होकर के। और यहाँ पर देखिए कांटा वाटा सब कुछ लगा हुआ है, तराजू जिसे कहते हैं, है कि नहीं भाई? ओके भाई, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट, स्कूल सब्सक्राइब। बंदा काफी खुशमिजाज है यार वाकई में। चलिए आगे और दिखाते हैं, और आगे देखिए क्या क्या चीजों की खेती हो रही है। अच्छा, श्रीलंका में, हाँ, इसीलिए जो है कि थोड़ा बहुत पता है अर्पण मौला। और आगे भी खेती है, ये जो देखिए यहाँ पर भीटा है ना, इसके बाद भी खेती आगे हो रही है, ये देखिए। ये देखिए, ये देखिए गजब यार। और देखिए यहाँ पर जो है कुछ जंगली कुत्ते भी हैं, नंबर का। ये देख सकते हैं जंगली कुत्ता भी यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए ये भी वाकई में यार गजब। ये क्या चीज का पेड़ है यार, बड़ा तगड़ा पेड़ है। अच्छा जंगल जलेबी, हाँ देख सकते हैं यार गजब। कोनो बात ना, देख सकते हैं ये पूरा रूम का यहाँ पर सिस्टम है जो काम करने वाले होते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी रूम है, क्योंकि इतना बड़ा मजरा है ना, एक ही जगह पर जा कर के रहना पॉसिबल नहीं है। ये देख सकते हैं। और ये किचन होता है, जब काम करके थक हार करके आते हैं तो यहाँ पर फिर खाना बनता है। उसके बाद फिर ये लौकी गजब की है मेरे भाई, ये लौकी। तो ये किचन होता है। और फ्रिज के अंदर देखिए पूरा अंडे संडे सब कुछ भरे हुए हैं। ये देखिए मछली है, गोश्त है। ये देखिए जबरदस्त हर एक चीज। इतना तो हमारे यहाँ जो फैमिली वाले रहते हैं उनके घर में इतना सिस्टम नहीं होता होगा जितना यहाँ पर होता है वर्करों के पास। देख सकते हैं मेरे भाई, लाइफ जो है ना एंजॉय यहीं पर जो है इंसान करता। घर जाने के बाद तो फिर ये काम करो वो काम करो, इधर भागो उधर भागो। और यहाँ पर देखिए नेट की वाईफाई भी लगी हुई है। ये देख सकते हैं हर सुविधा उपलब्ध है मेरे भाई हैं। और देखिए यहाँ पर खरगोश भी पाल के रखे हुए, अरे गजब यार। ये देखिए मेरे भाई सऊदी अरब का खरगोश, कुछ बोल ही नहीं रहा, वाइट वाइट है। और ये जो मिसाइल है ना, ये पानी की टाकी है मेरे दोस्तों। ऊपर से जो है ना, ऊपर आग लगाओ तो यहाँ से पानी फिर फेंकता है सन 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 सन। ये देख सकते हैं गजब यार, वाकई में बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर देखिए खेती उती होती है। ये देखिए